Welcome to my next video on UHS MDCAT Kingdom Animalia. This time we'll talk about phylum Nematode. जो कि pseudocelomates हैं, उन्हें roundworms भी कहते हैं. जो animals इसको हम include करते हैं इस group में, they are non-segmented and they have pointed ends. Nematodes are triploblastic and pseudocelomates, meaning उनका एक false coelom होता है. One end of the body is anterior. However, the head is not clearly marked and कोई भी special organs नहीं होते हैं. इनमें bilateral symmetry होती है, body unsegmented है, body cavity pseudocoelom है. ये interesting बात है. It is derived from the hollow space, the blast cell situated in the blastula at an early stage in embryonic development. ये एक important point है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि coelom मीजोडर्म से निकलता है, लेकिन जो pseudocoelom है ना, वो मीजोडर्म से नहीं होता बल्कि ब्लास्टोसील से, जो कि ब्लास्टुला के का एक पार्ट था. और ये डेरिवेशन हुई है एट एन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. pseudocoelom किस बात पर कंसिस्टेड होता है? इट कंसिस्ट करता है ऑफ अ नंबर ऑफ वेग्यूलेटेड सेल्स. pseudocoelom की बात करें ना, वेग्यूलेटेड सेल इन सेल विद वेक्यूल्स फिल्ड विद अ प्रोटीन रिच फ्लूइड, जो कि हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है क्योंकि वो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रॉब्ली उसका पोटेंशियल ज़्यादा है. इससे आपको मे भी याद पड़े, हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी फाइलम एनलिट्स, जो जिनके पास ट्रू सिलोम होता है, उनके सिलोम में जो मीजोडर्म लेयर होती है वो स्प्लिट होती है इनटू द पैराइटल एंड द विस्ट्रल, एंड द सिलोम बेसिकली फिल्ड होता है विद सिलोमिक फ्लूइड जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाते हैं. जबकि एशलमेंथीज, जिनका वो है फॉल्स सिलोम है, वो बेसिकली फॉल्स सिलोम है वो बेसिकली फिल्ड होता है विद वेग्यूलेटेड सेल्स, जिनके पास प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है फिल्ड होते हैं, एंड एज सच वो भी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यू नो कंट्रीब्यूट करते हैं. अभी बात हो रही है नेमाटोड की. लेकिन क्योंकि प्रॉपरली मीसोडर्म की डिस्टिंक्शन नहीं होती, डिवीजन नहीं होती इनटू द पैराइटल लेयर एंड एज सच, एंड क्योंकि pseudocoelom किसी और चीज़ से डिराइव हो रहा है, इसलिए आप उसको सिलोम कह नहीं सकते. बात होती इसके काफ़ी रेंज है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स टू सम दैट रीच अप टू 1 meter, ये भी इंपॉर्टेंट बात है. डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, दो ओपनिंग्स, एंटीरियर एंड पर माउथ है, पोस्टीरियर एंड पर एनस है. पैरासिटिक में डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है, जैसे कि एनालिट्स के में भी जो पैरासाइट्स हैं उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सिंपल है. एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कनाल. इट प्रोवाइड्स ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर इन नेमाटोड. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट द एनालिट्स जिनके पास नेफ्रिडिया थे, आर्थ्रोपॉड्स जिनके पास मल्टीपेरियन ट्यूब्यूल्स थी और एक्सक्रीशन होती थी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड. ठीक है, इधर ऑन द अदर हैंड एक ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली दो लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी कनाल्स पर बेस्ड है जो कि एंटीरियर एंड पर यूनाइट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल कनाल, जो कि ओपन करते हैं टू द एक्सटीरियर थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर ऑन द वेंट्रल सर्फेस. ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल सर्फेस ऊपर वाली होती है. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि वेंट्रल है कि डॉर्सल है, तो एंड से याद करें बिकॉज नेमाटोड भी एन से शुरू होता है. दिस इज जस्ट द वे आई रिमेंबर स्टफ, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा. लॉन्गिट्यूडनल भी आपको भूल रहा होता है, एन वाली बात इंपॉर्टेंट है, लेटरल में नहीं होता. वेंट्रल सर्फेस वाली बात भी अहम है. देयर इज अ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंक्स, यानी जो फेरिंक्स वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर एक नर्व रिंग है विच गिव राइज टू डॉर्सल, यानी इस साइड वाली वेंट्रल और लेटरल इस साइड वाली. नर्व कॉर्ड्स रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द होम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम. हमने नर्वस सिस्टम की बात कहाँ पर की थी? आर्थ्रोपॉड्स में जब की थी, तो हमने कहा था कि उसमें एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि एक सिंपल ब्रेन से निकल रही है, और हर सेगमेंटेशन में बेसिकली गैंग्लिया प्रेजेंट है जिनसे नर्व्स निकलती हैं. इधर हमने पढ़ा कि एक नर्व रिंग मौजूद
होते हैं इंस्टेड ऑफ अ नर्व कॉर्ड, जिससे नर्व्स निकल रही हैं डॉर्सली भी वेंट्रली भी. एनालिट्स में तो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल था ना. थी डबल नर्व कॉर्ड लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल, दूसरे में सिर्फ वेंट्रल कॉर्ड थी. इसमें डॉर्सल वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स निकल रही हैं. ये बात हम चेक कर लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उधर सिर्फ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी आर्थ्रोपॉड्स में. एनीवेज यहाँ पर नर्व रिंग है. इधर सेंस ऑर्गन्स है इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी पेपिलाई प्रेजेंट ऑन द लिप्स एट द इंटीरियर एंड. इंटीरियर एंड आपको पता होना चाहिए जहाँ पर माउथ होता है. ये नेमाटोड की बात हो रही है. हमने जब सेंस ऑर्गन्स की बात की थी आर्थ्रोपॉड्स के केस में, आर्थ्रोपॉड्स के केस में कंपाउंड आईज और एंटीना मौजूद थे. एनालिट्स में हमने सेंस ऑर्गन्स की बात की, यहाँ पर हमने बात की है सेंसरी पेपिलाई. ये इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं नाम से कोई सेंस बनती है. सुडोसिनोमेट्स और साथ में सेंसरी पेपिलाई याद रह जाना चाहिए. सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है. एक में हमने कहा था एनालिट्स के केस में क्लोज है विद अ प्रिमिटिव हार्ट, हमने उसके केस में कहा क्लोज्ड सिस्टम है. पहला है टू डेवलप सेट क्लोज सिस्टम. आर्थ्रोपॉड्स में हमने कहा था कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि इट्स एन ओपन सिस्टम, ऑल्दो एक डॉर्सली लोकेटेड मेन ब्लड वेसल मौजूद है इसमें. और हमने ये भी कहा था कि एनालिट्स में डिफ्यूजन होती है क्योंकि वहाँ कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. लेकिन जो आर्थ्रोपॉड्स है ना उसके केस में बकायदा ट्रिकी होती है, बकायदा स्पाइरिकल होता है. यहाँ दोनों ही चीज़ें एब्सेंट हैं. लोकोमोशन इज बाय अनड्यूलेटिंग वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जो मसल्स हैं वो चार बैंड्स में अरेंज्ड हैं, दो डॉर्सोलेटरल, डॉर्सोलेटरल का मतलब यूं करके, एंड दो वेंट्रोलेटरल. सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट. ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब हमने एनालिट्स की बात की थी लीच में तो हमने कहा था कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों मौजूद हैं. अनफॉर्चुनेटली नेमाटोड्स केस में सर्कुलर मसल्स एब्सेंट है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मौजूद है. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सर्कुलर मसल्स एब्सेंट है नेमाटोड्स में, जबकि सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट थे एनालिट्स में. इसमें एसेज कोई पर्टिकुलर लोकोमोशन का ऑर्गन नहीं है. ऑल्दो हमने एनालिट्स में बहुत सारों की बात की थी, हमने कहा था पैरापोडिया होते हैं जो कि बॉडी सर्विस में होते हैं. इन द केस ऑफ द अर्थवर्म हमने आई थिंक इन द केस ऑफ द नेरिस था आई गॉट काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. सेटे इंसेक्ट्स थे वो इन द केस ऑफ द अर्थवर्म था. नेरिस के केस में काइटिनस काइटी थी अमंग अदर थिंग्स. हम देख लेते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं बिल्कुल. पैरापोडिया नेरिस के केस में था, अर्थवॉर्म के केस में सेटे एम्बेडेड इन सैक्स, जब एक काइटनस काइटी थी और काइटी एब्सेंट होती है लीच के केस में. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पीएन से याद कर सकते हैं पैरापोडिया और नेरिस, और फिर डेफिनेटली जो दूसरा वाला है वो अर्थवॉर्म के केस में ही होगा. एनीवेज अगर हम रिटर्न करें सेक्सेस यहाँ सेपरेट है. आर्थ्रोपॉड में मेंशन नहीं किया था, एनालिट्स में हमने कहा था कि सेक्सेस सेपरेट हो भी हो सकती हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकती है, लेकिन जनरली हर्माफ्रोडाइट ही हो सकती है एज इन द केस ऑफ द लीच एंड द अर्थवर्म. नेरिस के ऑन द अदर हैंड सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फीमेल गोनाड्स एक ओवरीज हैं, एग्स बनाते हैं. मेल गोनाड्स टेस्टिस हैं, ये स्पर्म बनाते हैं. लार्वल स्टेज प्रेजेंट है. लार्वल स्टेज एनालिट्स में भी प्रेजेंट थी जो कि फ्री लिविंग थी. हमने उसको कहा था कि वो ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज है. एशिनमेंथीज काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके पैरासाइट्स इंपॉर्टेंट हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन वैसे एशिनमेंथीज की बहुत सारी टाइप्स हैं. मसलन हमने किन किन की बात की थी, आई गेस मैंने ऐसे बात नहीं की, लेकिन काफ़ी जो मोस्ट फॉर्म्स हैं जिनके साथ हम फेमिलियर हैं एनालिट्स से बिलोंग करते हैं. लेकिन एशिनमेंथीज वाला वो भी हम टू सम एक्सटेंट जानते ही हैं.
Ascaris lumbricoides, intestinal parasita. Genus Enteroptitis contains numerous species normally found in soil, in normal soil mein, organic water mein, organic matter mein, water mein, ya phir man or animal ki feces mein. Entrobius vermicularis, commonly known as the pinworm cosmopolitan hai, meaning found all over the world, lekin sabse the common hai Europe mein and America mein. Pinworms kahan ke hote hain? Cecum ke, कॉलन के, अपेंडिक्स के. उनकी जो मूवमेंट है ना, इंटेंस इचिंग कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलन एंड अपेंडिक्स. इंसोम्निया, बिकॉज पीपल आर अनएबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. एंकिलोस्टोमा ड्यूडेनम हुकवर्म कहते हैं, क्योंकि इसकी डेंजरस इतना क्यों है ये अगर हम बात करें, इन सब में से सबसे ज़्यादा डेंजरस है एंकिलोस्टोमा ड्यूडेनम, क्योंकि वो विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन को पंक्चर करता है एंड सक करता है ब्लड को एंड बॉडी फ्लूइड को. एंटीकोएगुलेंट भी बनाते हैं, जो हिरुडिस मेडिसिन एलिसन बकलीज, वो भी ऐसा ही एंटीकोएगुलेंट बनाते हैं. लेकिन ये ब्लड, ये वुंड बाद में ऑफन टाइम्स क्लोज नहीं होता, इसलिए ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, जो कि फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ स्पेशली लिटिल चिल्ड्रन में हाईली इनहिबिटेड होती है. ये आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं. सिंगल रॉटिंग एप्पल में कंटेन दीज मैनी वॉर्म्स, बिलियंस थ्राइव इन ईच एकर ऑफ टॉप साइड, यानी जो ऊपर वाला है ना हिस्सा जो होता है, बिल्कुल ऊपर वाला है उसकी, जो एक एकड़ में ना आप देखेंगे बिलियंस होंगे वॉर्म्स के. अब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे होते हैं. अगर हम ऊपर जाएँ, अगर हम बात करें फ्लैटी हेलमिंथीज को, जिनको हम फ्लैटवॉर्म्स कहते थे, ये सॉफ्ट होते हैं और डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, राइट. ये अनसेगमेंटेड भी होते हैं, अनलाइक द आर्थ्रोपॉड्स एंड द एनालिड्स. ये ज़्यादातर पैरासाइट्स से हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शंस. हमने जब एशियन मेंथीज की बात की थी, तो हमने उनकी लार्जली पैरासाइट्स की बात की थी, लेकिन उनके फाइलम में पैरासाइट्स के अलावा और बहुत कुछ भी है, लेकिन वो बेसिकली इन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. लेकिन जो प्लेटी हेलमिंथीज है ना, वो लार्जली पैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं ये सारे, मतलब मेजोरिटी एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब पोस्ट के अंदर रहते हैं. हमने एक और पैरासाइट की बात की थी, हमने बात की थी लीच की, लेकिन वो एक एक्टोपैरासाइट है, वो पोस्ट के अंदर नहीं रहता. कॉमन एग्जाम्पल्स हैं टीनिया सोलियम, जो कि टेप फॉर्म है, फिशुला हेपेटिका, लिवर फ्लूक, शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक. ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादा कॉमन है. इनमें से कुछ डिजीज कॉजिंग भी हैं, कुछ फ्री लिविंग भी हैं, एंड फ्रेश वाटर में, मसलन डुगीसिया. ये बात इम्पॉर्टेंट है. हमने जब मरीन ऑल्टरनेटिव्स की बात की थी ना, इन द केस ऑफ द आर्थ्रोपॉड्स, तो हमने कहा था कि वो मरीन है, एक्वेटिक भी हैं और मरीन भी हैं. एनलिड्स में भी हमने बात की थी कि एक्वेटिक जो है वो मरीन भी है, जिसकी हमने एग्जाम्पल ली थी नीरीस, और हमने कहा था कि एनलिड्स हैं जो वाटर लिविंग है ना, वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, इस टाइल एरिया. लेकिन इसमें जो हमने एग्जाम्पल दिए ना, वो अपेरेंटली सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है. इसकी भी साइज रेंज काफ़ी ज़्यादा है, कुछ मिलीमीटर्स, प्लेनेरिया जो कि छोटा सा होता है 10 मिलीमीटर का, टू सेवन मीटर्स इन द केस ऑफ टेप फॉर्म, द सेम टेप फॉर्म दैट ऑफन इन्फेस्ट द बॉडी ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन. एंड हमने नेमेटोड्स को भी कहा था कि देयर इज अ ह्यूज वैरायटी रेंज. हमने अभी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम बात की है ना, एनालिट्स की भी हमने बात की थी, हमने आर्थ्रोपॉड्स की भी बात की है, और हमने एशियन मेंथीज की भी. दे हैड दिस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम दो एंड से, लेकिन प्लेटी हेलमेंथीज इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशल है, क्योंकि इसका ब्रांचिंग सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डेवलप्ड है ज़्यादा स्पीशीज में, एंड ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है टेप फॉर्म में. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो कंसिस्ट होता है ब्रांचिंग ट्यूब्स, यानी ट्यूब्स जो कि ब्रांच करती हैं हेविली और एंड अप करती हैं इन बल्ब लाइक सेल्स, जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं. हमने ना एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की थी,
नीमाटोड्स में, नीमाटोड्स में बेसिकली एक वो ड्यूअल एक्सक्रीटरी सिस्टम था जिसमें दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पर मुश्तमिल था, जो कि एंटीरियर एंड पर सॉरी पोस्टीरियर एंड पर मिलकर एक सिंगल कैनाल बन जाती थी एंड एग्जिट करती थी थ्रू अ पोर। जब हमने एनालिट्स की बात की थी तो उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो नेफ्रिडिया पर मुश्तमिल था, जबकि आर्थ्रोपॉड्स के केस में मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल था। हमने जब नर्वस सिस्टम की बात की प्लेटीहेलमिंथीज की, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया, उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया। जो सेंस ऑर्गन्स है ना दे आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड, इनके उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेलली बताए सीएनएस की। उन्होंने बस कहा कि एक सिंपल नेटवर्क है नर्व्स का और गैंग्लिया का। जब हमने एनालिट्स की बात की थी ना, एनालिट्स में डिटेल बताई थी, एनालिट्स के केस में उन्होंने कहा था कि इट्स माय अपोलॉजीज आई गेस मेरा कॉल बिल्कुल ठीक नहीं हो। जब हम एनालिट्स की बात की थी तो इट वाज डिस्क्राइब्ड एज दिस सॉलिड डबल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, राइट, जिसके साथ जो कि एक सिंगल ब्रेन के साथ अटैच थी। मैंने पहले ये भी बताया था कि सेगमेंटेशन हुई हुई थी और सेसिटी थी जो कि सिलोम को पूरी तरीके से क्रॉस कर रहे थे, जो नर्व कॉर्ड्स बीच में जा रही थी ना इनसे ही निकल रहे थे बाकी नर्व्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। ये उन्होंने डिटेल बताई थी एनालिट्स के बारे में। एशिलमेंथीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। वैसे तो हमने आर्थ्रोपॉड्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि इट कंसिस्ट था एक सिंपल ब्रेन जो कि पेयर्ड गैंग्लिया की सूरत में था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कनेक्टेड था टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे कि हमें पता है कि आर्थ्रोपॉड्स में भी सेगमेंटेशन है बट इट इज़ नॉन मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। तो जो हर सेगमेंट था ना बेसिकली हर सेगमेंट में गैंग्लिया मौजूद थे और जो नर्व्स थी ना वो इधर से नहीं निकल रही थी, वो हर गैंग्लिया से ओरिजिनेट कर रही थी जो कि हर सेगमेंट को सप्लाई कर रही थी। जब हमने नीमाटोड की बात की एशिलमेंथीज की कहा तो हमने कहा एक नर्व रिंग है जो कि फेरिंक्स के अबाउट है, उससे क्या हो रहा था उससे डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल नर्व्स ओरिजिनेट करी थी, ठीक है। उन्होंने ये बेसिकली डिटेल बताई थी सीएनएस की। इसमें उन्होंने ये कहा है ये कहते हैं थर्डी हेलमेथीस में उन्होंने ये कहा है कि जो सेंस ऑर्गन्स है ना वो इंटीरियर एंड पे मौजूद हैं, और नीमाटोड्स में भी उन्होंने ये कहा था कि सेंसरी पेपिलाई हैं वो लिप्स हैं जो कि एंटीरियर एंड है वहाँ पर मौजूद है। ये एक कॉमन पॉइंट आ गया। हमने सेंस ऑर्गन्स का और कहाँ पढ़ा था, हमने आर्थ्रोपॉड्स में पढ़ा था कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कंपाउंड आई और एंटीना के फॉर्म में है। इसमें रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है और नीमाटोड्स में भी एब्सेंट था, ठीक है। और जो एनालिट्स था ना उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद था, और इट वॉज द फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट जिसने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया अपने अंदर। अलबत्त वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही उसमें मौजूद थे आर्थ्रोपॉड्स में। पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से, जबकि फ्री लिविंग कार्निवोरस हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स की बॉडीज पर फीड करते हैं। जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं वो मोटाइल हैं, उनके पास सीलिया मौजूद हैं अपनी अंडर साइड्स पर यानी नीचे वाली जो जगह है, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनकी लोकोमोशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। हमने डिटेल लोकोमोशन को भी पढ़ी थी। हमने एनालिट्स के केस में पढ़ा था कि एनालिट्स में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों मौजूद होते हैं। हमने एनालिट्स के केस में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और मसल्स का डुअल एक्शन भी पढ़ा था कि वो कैसे इंश्योर करते हैं लोकोमोशन। हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं मसलन के पैरापोडिया इन द केस ऑफ नेरीज। हमने ये भी पढ़ा कि सिटी इन सैक्स इन द केस ऑफ अर्थवर्म्स, इधर एज सच कोई स्पेशल नहीं है। बता हमने लीच के केस में जो कि एक्चुअली बिलोंग करता था टू एनालिट्स, हमने ये पढ़ा था कि उनके अंडरसाइड पर काइटनस जॉज होते हैं लेकिन वो एसेच फॉर मूवमेंट नहीं होते जितना फॉर उनके जो पर्पज होता है ना पेनिट्रेशन का ब्लड सक करने के लिए। प्लेटीहेलमिंथीज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ए सेक्शुअल कैसे होती है, जिसमें बेसिकली मिडल से ब्रेकअप होते हैं इन टू पीसेज और रीजनरेशन हो जाती है बेसिक पार्ट की। और जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है ना, वो हर्माफ्रोडाइट है, जिनमें दोनों तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं, यानी उनमें डिफरेंट सेक्स वाले नहीं हैं। हमने जब पढ़ा था आर्थ्रोपॉड्स के बारे में, तो उन्होंने उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा था। एनिलिड्स के केस में उन्होंने कहा था कि वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने ए सेक्शुअली का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनिलिड्स अर्थफॉर्म वाला ग्रुप है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ सेक्शुअली, ऑल्दो यू माइट एक्सपेक्ट कि अर्थफॉर्म ए सेक्शुअली शायद करते हैं, बट नॉट रियली। और उसमें हमने कहा था कि ज़्यादा जनरली हर्माफ्रोडाइट है, मसलन हर्माफ्रोडाइट अर्थफॉर्म भी एंड लीच भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके सेपरेट सेक्सेस हैं, मसलन के नीरीज। इसमें अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, वो सारे हर्माफ्रोडाइट हैं। लार्वल फॉर्म कभी कभी प्रेजेंट होती है, लेकिन हमेशा नहीं। जब हमने एनिलिड्स की बात की, तो हमने कहा था कि वहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा उनमें मौजूद होते हैं। फिशियोला एंडोपैरासाइट है शीप में, समटाइम्स ह्यूमन में। उसकी सकर्स होते हैं फॉर अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। दो होस्ट चाहिए होते हैं, अ स्नेल अ शीप और अ मैन। स्नेल शीप या स्नेल मैन अपने होस्ट के बायोडक्ट में रहते हैं, टीनिया। एंडोपैरासाइट है ह्यूमन कैटल एंड पिक का। दो होस्ट चाहिए होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट या तो पिक होता है या फिर कैटल होता है। प्रोग्लॉटिड्स की भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोलस्का के बारे में करेंगे। दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस।